नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। शहर के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने संचारी रोग से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए जोन 3 के जानकीपुरम इलाके में वृहद अभियान चलाया। अभियान के तहत नगर आयुक्त ने कहा कि डेंगू मलेरिया को भगाना है नगर निगम ने ठाना है और आप सबको भी साथ निभाना है। नगर आयुक्त ने डेंगू मलेरिया और संचारी रोगों से बचने के लिए कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी कर्मचारी हर वार्ड में बीट बनाकर नियमित साफ सफाई कर कार्य कराएं। इसी क्रम में लखनऊ नगर आयुक्त की मौजूदगी में जानकीपुरम प्रथम द्वितीय तथा अलीगंज स्थित भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड में साफ सफाई एंटी लार्वा तथा फॉगिंग कराया गया। इस अभियान में क्षेत्रीय पार्षद, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जोनल सैनिटरी अफसर सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सर, जिस तरीके से आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, आज कौन से इलाके में पहुंचे हैं और क्या यहां पर योजनाएं बनाई गई? आज मेरे साथ माननीय पार्षद राजकुमारी मौर्य जी, राघव राम तिवारी जी और मानसिंह यादव जी आज मेरे साथ हैं और आप लोग तीनों वार्ड में जो संचारी रोग को लेकर जो आज अभियान शुरू हुआ है, आपके नेतृत्व में अगले जो है 2.5 महीने ये चलेगा और ये पहले से ही चल रहा है, लेकिन जो इक्विपमेंट, मैन पावर और जो भी इसमें लगना है केमिकल्स, उसको लेके आज एक ब्रीफिंग की गई है सारे कर्मचारियों के साथ। और हम लोग नगर निगम, क्योंकि इस साल जो एक्सपेक्टेड है, जो ट्रेंड है 4-4 साल का 2016 के बाद ये संचारी रोग का, वो पीक करता है, तो उसको देखते हुए जागरूकता के लिए और किस तरह से ये फॉगिंग एंटी लार्वा का छिड़काव होना है, उसका आज हम लोगों ने शुरुआत की है और हम लोग इसको लगातार कर रहे हैं, लगातार कार्यशाला कर रहे हैं। लेकिन अब जो टाइम आया है, क्योंकि बरसात बंद होगी, धूप निकलेगी, तो मच्छरों का प्रकोप एकदम बढ़ेगा, इसको लड़ने के लिए हम लोगों ने आज शुरुआत की है। और हमारी अपील भी है जो हमारे नागरिक है, क्योंकि डेंगू जो है वो साफ पानी का जो मच्छर है दिन में काटता है, तो अपने घरों में वाटर का ऑडिट कर लें, क्योंकि साफ पानी अगर घरों में कहीं गमले में या फ्रिज में या हमारे किसी और स्रोत में भरा है, तो वहाँ लार्वा जब होता है, तो वो लार्वा से जब मच्छर बनते हैं, तो वो 50 घरों तक इम्पैक्ट डालते हैं। तो एक जो जिम्मेवारी हमारे नागरिक भी निभाए और नगर निगम हर घर तक पहुँचे, हर गली तक पहुँचे, इसके लिए हमने ये शुरुआत की है। और हमारी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोग इसमें सहयोग दें, क्योंकि जो डेंगू की लड़ाई है वो सबके साथ मिलकर हम लड़ेंगे। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।